शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को शुक्रवार को तीसरी बार मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते दौरान अर्पिता मुखर्जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दरअसल अर्पिता कार में रोने लगी थी और बाहर निकलकर सड़क पर बैठ गई। वहीं अस्पताल पहुंचते पूर्व मंत्री पार्थ ने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि ये पूरा घोटाला 120 करोड़ रुपए का है। इसमें सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट का पैसा शामिल नहीं है बल्कि पार्थ चटर्जी का रियल एस्टेट में पैसा लगाना भी शामिल है। अभी ईडी की टीम 15 जगहों पर रेड कर सकती है। वहीं विधायक मणि भट्टाचार्य ने तबियत खराब होने का हवाला देकर शुक्रवार को पेश न होने से इनकार कर दिया है। ईडी के सूत्रों ने बताया पार्थ चटर्जी गिरफ्तार होने के बाद 5 दिन से वह केवल ग्रीन टी और बिस्किट ले रहे हैं। बुधवार रात को उन्होंने दाल रोटी खाई थी। सूत्रों के मुताबिक इन जगहों से 2 रियल एस्टेट से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जांच में सामने आया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में मिली रकम रियल एस्टेट में लगाई जा रही थी। अर्पिता के फ्लैट से गोल्ड रिंग एजेंसी को मिली है जिस पर पी लिखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।